हेलो गाइस, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भारत सरकार ने अभी नया नियम लागू किया है टोल प्लाजा के ऊपर, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोल प्लाजा पर टोल टैक्स चुकाने के बाद भी काफ़ी लंबी लाइनें लगी रहती है। आप सभी जानते होंगे, आप सभी कभी ना कभी आप देखते होंगे कि टोल प्लाजा पर काफ़ी लंबी लाइनें लगी रहती है, जिसके वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसकी शिकायत केंद्र सरकार को दिया और केंद्र सरकार ने अभी 2021 में एक नया नियम लेके आ चुकी है। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा के हर एक टोल पर 10 सेकंड के भीतर टोल टैक्स लिए जाने के लिए नए नियम को तय कर दिया है। सरकार के नए नियम के मुताबिक यदि टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर की लंबी लाइन लगती है तो उस वाहन से टोल टैक्स वसूला नहीं जाएगा। इस नई पहल को लागू करने के लिए टोल प्लाजा से 100 मीटर की दूरी पर सड़क पर एक पीली पट्टी का निशान लगाया जाएगा। जब तक इस पीले निशान तक गाड़ियों की लाइन लगी रहेगी, तब तक सभी गाड़ियां बिना टोल टैक्स का भुगतान किए बगैर टोल बैरियर को पार करते रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI के महाप्रबंधक संजय कुमार पटेल ने टोल प्लाजा 2021 के नए दिशा निर्देश को लागू किया है। अधिकारियों का कहना है कि देश के सभी 570 टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम को लगा दिया गया है। फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा के सभी टोल लेन पर टोल टैक्स ऑनलाइन वसूला जा रहा है। बावजूद इसके उन्हें यात्रियों की शिकायतें मिल रही है कि टोल प्लाजा पर जाम और वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है, जिसके बाद सरकार ने ये नए नियम को लागू किया है। योजना के दूसरे चरण के हिस्से के तौर पर इस समय काम कर रहे टोल प्लाजा की टोल लेन में बदलाव के बाद इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। उच्च अधिकारियों ने बताया है कि टोल प्लाजा में 10 सेकंड में गाड़ियों से टोल टैक्स वसूले जाने के लिए नए मानक बनाए गए हैं। नए टोल प्लाजा का डिजाइन कुछ इस तरह बनाया गया है कि उसमें एक टोल लेन में करीबन एक घंटे में 400 वाहन गुजर सकेंगे, लेकिन इस नए टोल प्लाजा के निर्माण के लिए ज्यादा भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि टोल प्लाजा पर गुजरने वाली वाहनों की संख्या के हिसाब से टोल लेन की संख्या 6 से लेकर 12 लेन तक हो सकती है। टोल प्लाजा पर जाम की समस्या नहीं होगी। सरकार के इस नियम से टोल प्लाजा पर जाम समस्या खत्म हो सकेगी। इसका फायदा यह होगा कि टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों की औसत स्पीड 30 से 40% तक बढ़ जाएगी और वायु प्रदूषण में भी खासी कमी आएगी। बता दें कि फास्टैग अनिवार्य किए जाने और इसके जरिए ऑनलाइन टोल टैक्स वसूलने से सरकार का राजस्व सालाना 10,300 करोड़ तक बढ़ गया है। तो दोस्तों, 2021 में टोल प्लाजा को लेकर जो नया नियम लागू हुआ है उसको मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। और ऐसे ही बाइक रिलेटेड वीडियोज़ या कार रिलेटेड या कोई भी ऑटोमोबाइल रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है राइड विद बाइक रजत, आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे एक क्लिक से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।